యేషు మసీకి, యేషు మసీకి హల్లెలూయా. జబ్ భీ మే ఇస్ మంచ్ పే ఆతా హూ నా యహాన్ పే తో ముజే ఘబరాహట్ హోతీ హై క్యోంకి యహాన్ సే పరమేశ్వర్ కా వచన్ బోలే జానే వాలా హై. నయే నియమ కా పరమేశ్వర్ నే జో వచన్ బతాయా థా వో భీ ప్రచార్ కర్కే హీ శురూ కియా థా. తో జో యేషు మసీ నే కియా వైసా సాహీ హమ్ కర్నే వాలే థే. మేరే కో ఘబరాహట్ బహుత్ హోతీ హై కి జబ్ ఇత్నే సారే లోగ్ ముజే దేఖ్ రహే హోతే హై కి పరమేశ్వర్ ने इन आत्माओं को बिठाया है कि ये परमेश्वर वचन सुने, और वो सौभाग्य परमेश्वर ने मेरे को दिया कि मैं बोलूं और ये सुने. परमेश्वर का धन्यवाद हो. हालेलुया, हालेलुया. जब पिछली बार जब प्रभु ने मौका दिया था प्रचार करने का, तो उस वक्त जो अंत में जिस जगह हमने ख़त्म किया था वहीं से शुरू करता हूँ मैं. उद्धार, जो उद्धार आज हम शुरू करेंगे बेसिक चीज़ से. उद्धार, उद्धार क्या चीज़ है, क्या चीज़ है उद्धार, कोई भी बताइए उद्धार क्या चीज़ है. उद्धार से हम समझ क्या सकते हैं कि हमें उद्धार मिल गया तो हमारी जेब में या घर के लॉकर में, क्या चीज़ है उद्धार. अनंत जीवन. उद्धार वो चीज़ है कि हमारा पाप से अलग हो करके परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहना, और उसके आशीष को पाना, और उसके उसको देखना, उसकी महिमा को देखना, ये उद्धार है. और जो परमेश्वर ने ये जो हमें उद्धार दिया है, हमने क्या काम किया था जो हमें उद्धार मिला है. हमने ऐसे कौन से काम किए थे जो हमें उद्धार मिला है. हाँ, केवल और केवल विश्वास के द्वारा हमें उद्धार मिला है. यानी हमने अपने जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, या हम ऐसा कोई भी काम कर नहीं सकते जिससे कि हमें उद्धार मिल जाएगा. उद्धार केवल और केवल परमेश्वर दे सकता है, और उसके अनुग्रह के द्वारा मिला है. अनुग्रह जो चीज़ होती है ना, अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब किस किस को पता है. अनुग्रह का मतलब कोई भी एक आदमी बताए, अनुग्रह का मतलब क्या है. जिस चीज़ के लायक हम नहीं हैं और वो चीज़ हमें मिल जाए. यानी कि मुझे कल 12 करोड़ रुपए मिल जाए, मैं एक साल तक नहीं सोऊंगा, मेरे को नींद ही नहीं आएगी कि भाई मेरे को 12 करोड़ रुपए मिले, पड़े मिल गए, मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं पता चलेगा. तो जिस चीज़ के लायक हम नहीं हैं, यानी हम पापी थे और हम अपने कर्मों से उद्धार पा नहीं सकते थे, परमेश्वर ने वो स्वर्ग छोड़ करके हमारे लिए धरती पे आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर जी उठा, जिसके द्वारा हमें उद्धार मिलता है, वो हमारे लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने किया. वो रास्ता जोड़ा जो हम नहीं जोड़ सकते थे, वो परमेश्वर ने हमारे साथ जोड़ा. ये अनुग्रह के द्वारा हुआ, क्योंकि जो हम नहीं कर सकते थे. ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए एक बार इफिसियों का खोलेंगे. इफिसियों 2:7. बस विश्वास ही के द्वारा तुम्हारे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है. विश्वास और अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है. हालेलुया, हालेलुया. अनुग्रह इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब पे है, पर जब वो विश्वास करेंगे तब वो अनुग्रह उनके ऊपर होगा, और तब उन्हें उद्धार मिलेगा. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर इस धरती पे किसी से नफरत नहीं करता. अगर किसी एक जाति या किसी एक पर्टिकुलर लोगों से अगर नफरत करता तो यीशु मसीह इस दुनिया में आता नहीं. परमेश्वर ने हम सब को, जो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पे थूकते हैं, बाइबल जलाते हैं, लड़ाई करते हैं, परमेश्वर उन्हें भी प्रेम करता है. हालेलुया, हालेलुया. तो परमेश्वर का अनुग्रह हर किसी पे है, पर जब वो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे और विश्वास करेंगे कि केवल परमेश्वर यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता है, तब वो उन अनुग्रह के द्वारा उन्हें उद्धार दिया जाएगा. हालेलुया, हालेलुया. अब यहाँ पे एक ऐसी चीज़ आती है जो पिछली बार जो उदाहरण दिया था, अनुग्रह से हमें उद्धार मिला. उद्धार एक ऐसी चीज़ है
जो अच्छा हम में से नौकरी कौन कौन करता है, हाथ खड़े करें। और ऐसे लोग, साहब हाथ नीचे कर लें, ऐसे लोग हाथ उठाएं जिन्होंने नौकरी का पहला दिन ज्वाइन किया और उन्हें सैलरी मिल गई। कोई है, किसी को मिली है कि पहले दिन गए और पूरे महीने की सैलरी पूरी हाथ में आ गई, वो अगले दिन से ऑफिस जाना छोड़ देगा जिसको ऐसी मिलेगी। अनुग्रह ऐसी ही चीज है कि हमने जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, परमेश्वर ने हमें उद्धार दे दिया और उस उद्धार को हमें अपने जीवन में बनाए रखने के लिए पूरी जिंदगी भर, जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं उठाए जाएंगे तब तक हमें परमेश्वर के वचनों का पालन करना है अपने जीवनों में। आगे पढ़ना पुराण का बहन, आगे पढ़ना इसमें। हालेलुया। यानी मैं 1985 में पैदा हुआ, पर परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया था कि मनीष को ये भले काम करने हैं। यानी हम सब के जीवन में परमेश्वर ने हमारे लिए भले काम रखे हुए हैं, एक जैसे और एक जैसे नहीं भी, यानी अलग-अलग तरीके के भले कामों को परमेश्वर ने हमारे जीवनों में रखा है। उन कामों से हमें उद्धार मिलेगा नहीं, वो हमें काम इसलिए करने हैं कि हमें उद्धार मिल चुका है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के लिए ईमानदारी के साथ वो काम करने हैं जो परमेश्वर ने निर्धारित किए हैं, वो इसलिए कि हमें उद्धार मिल चुका है और हमें परमेश्वर से हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के लिए हमें अपना जीवन जीना है। ये ऐसी चीज है जैसे कि हम सब के घरों में, मान लीजिए सब एक बार को सोच लीजिए कि हमारे घर में पास्टर जॉय खाना खाने आते हैं, सहपत्नी साथ पत्नी के साथ में आते हैं और खाना खाने के लिए बैठते हैं। हम में से ऐसा कौन है जो उन्हें गंदी प्लेट देगा? कोई है? हर कोई प्लेट ऐसी निकालेगा, क्रॉकरी वाली, अंदर से सफेद, जिसमें कोई गंदगी नहीं लगी होगी और धोने के बाद में भी टिश्यू पेपर से साफ करके और सामने रख के देंगे साफ प्लेट। खाने के लिए प्लेट दे दी, प्लेट पास से जो ने देख ली, अच्छा ठीक है बहुत साफ सुथरी प्लेट है, रख लिया। क्या वो खाली प्लेट उनके जीवन में कोई काम आएगी उस वक्त? मैं पास से जो को कुछ सालों से जानता हूं, तो जब भी वो बात करते हैं ना, तो उनके बीच में अगर कोई चीज़ आ रही है सुनने वाले के साथ, वो उठा के साइड में रख के उसके साथ बैठ जाते हैं कि सुनने के लिए आसानी हो उसके पास बैठ के। तो वो क्या करेंगे, प्लेट को उठा के साइड में रख देंगे, किसी काम की तो है नहीं। वो प्लेट काम कब आएगी? जब उसमें खाना आएगा। और वो प्लेट गंदी है, और अगर पास्टर जॉय को पता है कि भाई ये प्लेट गंदी है, मान लो भविष्य पता चल गया उन्हें कि भाई इस प्लेट में डायरिया है या इस प्लेट में डेंगू है, या इस डेंगू तो नहीं होगा सॉरी, इस प्लेट में खाने की कोई भी बीमारी, फूड पॉइजनिंग मान लो है, और आने वाले मेरे 20 दिन खराब हो जाएंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि वो खाएंगे उसमें से। कुछ भी बहाना बना देंगे पर वो खाएंगे नहीं, कि भाई मैंने लंच किया था अभी भूख नहीं लगी, जो भी है। परमेश्वर को तो सारी सच्चाई पता है ना हमारे जीवन की। जब हम अपने जीवन को सारा पवित्र करेंगे तभी हमारे जीवनों में इन कार्यों के द्वारा परमेश्वर को वो, ये जो सारे काम है ना जो परमेश्वर ने रखे हैं, वो हमारे पवित्र जीवन में परमेश्वर के लिए परोसा गया खाना है जो परमेश्वर हमारे जीवन से लेगा। अगर हमारा जीवन पवित्र नहीं और गंदा है और हमने हमारे जीवन में पाप मौजूद है, तो परमेश्वर उस खाने को, मुझे नहीं लगता कि वो खाने को लेगा उसको। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के हिसाब से हमारा जीवन है ही नहीं, हमारा जीवन पवित्र है ही नहीं। केवल पवित्र जीवन परमेश्वर के लिए वो अच्छा तो है, पर वो उसको उठा के साइड में रख देगा कि हाँ ठीक है तेरा जीवन पवित्र है, स्वर्ग में तेरी जगह है, पर तुझे वो ताज नहीं मिलेगा जो लोगों को मिलना है।
मैं जब ये बात सोचता हूँ ना, मेरे को कैसा लगता है जैसे स्टेडियम वाली फीलिंग आती है। स्टेडियम में एक नहीं होती सबसे पीछे वाली सीट जिसमें इतना छोटा सा बंदा नजर आता है कैमरे में, वो एकदम ऊपर बैठा होता है, उसे प्लेयर भी नजर नहीं आते, बॉल भी नजर नहीं आते, सिर्फ उसके हाथ में एक होता है बैनर टाइप, वैसा सबसे आखिरी वाली सीट मिलेगी, वहां उद्धार होगा, स्वर्ग में सबसे एक कोना मिल जाएगा, वहां बैठा रहेगा, परमेश्वर के दर्शन होंगे सिर्फ सूरज के तौर पे, कि भाई परमेश्वर का चमकता हुआ चेहरा है, पर परमेश्वर को शायद छू ना पाए या पास ना जाने पाए। पर परमेश्वर के लिए जो परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, वो हमें उद्धार इसलिए दिया कि हम उसके उद्धार को अपने जीवनों में जिए। हमें परमेश्वर के उद्धार को जीना है अपने जीवन में, जो कि परमेश्वर ने यहाँ लिखा है कि जगत कि हम उसके हाथ की कारीगरी हैं, जो मसीह यीशु में भले कार्यों के लिए सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने आरंभ से ही तैयार किया है कि हम उन्हें करें। हमें परमेश्वर के लिए करना ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया है, ज़रूरी है परमेश्वर के लिए उन कार्यों को करना, पर हम मनुष्य हैं, इसमें छोटी सी एक मिस्टेक हो जाती है हमसे अक्सर। वो कौन सी मिस्टेक होती है उसको हम पढ़ते हैं लूका में, लूका 17:10। बस 10 से पहले जो चीज़ चल रही है, यीशु मसीह ने चेलों को एक उदाहरण दिया था। चेले उस टाइम बहुत जोश में थे, बहुत सारे काम कर रहे थे, यीशु मसीह ने उनको दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दे के गाँव गाँव में भेजा था दो दो करके, तो वो बहुत खुशी के साथ लौट के आए थे कि भाई हमने बहुत कुछ किया है। फिर उसके लिए यीशु मसीह ने यहाँ पर ऊपर एक उदाहरण दिया, एक मालिक का और एक दास का। वो काम करता है, फिर दास उस मालिक आके उसको धन्यवाद नहीं बोलता और कहता है कि मेरे को खाना परोस और फिर तू खाना खा लेना। उसके लिए क्या कहता है कि इस प्रकार तुमने जब उन आज्ञाओं का पालन कर लिया जो तुम्हें दी गई है, मछली वाले में लिखा हुआ है अयोग्य ठहरे, उसमें लिखा है निकम्मे दास। निकम्मे पता है बहुत ऐसा, मेरे को तो ऐसा लगता है सर तुझे थप्पड़ नहीं मारता कि तुमने कुछ किया ही नहीं है, निकम्मे दास तुम अभी भी तुम निकम्मे ही हो। जब हमने परमेश्वर यीशु मसीह की जो आज्ञाएं हमें दी गई हैं हमने वो पालन कर लिया, तब भी हम अयोग्य हैं, दास कहलाने के योग्य नहीं हैं। अभी परमेश्वर यीशु मसीह वहां कहता है कि हमें आज्ञाएं ठहराए रखी हैं, वो हमें करना है, और यहां भाई करने के बाद में भी कुछ हासिल नहीं है। वो इसलिए कि परमेश्वर यीशु मसीह ये कहना चाहता है कहीं तुम अपने कर्मों पे घमंड ना करने लग जाना, कि भाई एक आदमी 4 साल से विश्वास में आ रहा है, उसको पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिला, और मैं 6 साल से हूँ, मुझे पवित्र आत्मा का वरदान मिल गया, मैं भविष्य बता सकता हूँ, या मैं दुष्ट आत्मा भगा सकता हूँ, या मैं लंबी लंबी प्रार्थनाएं कर सकता हूँ। यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें तो ये निर्धारित किया गया है कि तुम इन्हीं कामों को करो, और तुमने जो ये किए हैं तो तुमने कोई खास काम नहीं किया है, क्योंकि तुम इसके लिए निर्धारित हो। इसको समझने के लिए आसान तरीका कि जब हम अपने अपने ऑफिस में काम करते हैं, जिस चीज़ के लिए हमें रखा गया है 8 घंटे के अंदर कि हमें इन कामों को करना है, मान लो 10 काम या 5 काम हमें अपने जीवन में, हर किसी को ऑफिस में पता है क्या क्या करना है, वो काम हमने पूरे महीने भर उस 10 घंटे में किया, तो कोई हमें आके शाबाशी थोड़ी ना देगा। क्यों? क्योंकि उन कामों के लिए तो हमें सैलरी मिल रही है ना, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या एम्प्लॉय ऑफ द वीक, या बहुत जो एप्रिसिएशन पाते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पे पाते हैं, जो उनको दिया गया उससे उन्होंने ज़्यादा काम किया, या उन्होंने और अच्छा आउटकम दिया, और अच्छा ज़्यादा काम किया, तब जाके उनको वो एप्रिसिएशन मिलता है, उनका हौसला अफजाई की जाती है, तब उनको देखा जाता है। तो हमने तो प्रभु के लिए जो प्रभु ने निर्धारित किया उसमें भी हम 70-80% पे ही पहुँचे। अभी तो हम ऐसी चीज़ें बहुत सारी हमारे जीवन में, मेरे जीवन में अभी हैं कि जो हम प्रभु के द्वारा बताई गई चीज़ों में भी हम नहीं कर रहे हैं, ये सोच के कि भाई जो हम कर रहे हैं हमें वही बहुत है, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा कर दिया ये, मैंने बहुत अच्छा कर दिया भाई पिछले 2 सालों में, भाई मेरे हाथ रखने से 10 दुष्ट आत्माएं भाग गई,
यीशु मसीह ने तो निर्धारित किया है तुम्हें तुम्हें दुष्ट आत्मा भगानी है, इस आदमी को काम दुष्ट आत्मा भगाने का है, इस आदमी को काम इस चीज़ का है, इस आदमी को काम लंबी प्रार्थनाएं करने का है, इसको सिर्फ केवल प्रार्थना करने का है। सिर्फ यीशु मसीह ने से काम निर्धारित किए हुए हैं, हमें अलग से वरदान मिले हैं वो कुछ खास नहीं है। अच्छा, जब मकान बनते लेंटर गिनते हुए किसने देखा? लेंटर नहीं गिरता ऊपर छत के ऊपर, लेंटर गिरता देखे ना सबने लगभग? तो उसमें हर किसी का अलग अलग काम होता है। उसमें रोड़ी डालने वाला अलग होता है, सीमेंट डालने वाला अलग होता है, रोड़ी को भरने वाला अलग होता है, ऊपर लेंटर के डालने के बाद में वो नहीं होता, एक बंदा खड़ा होता है वो गोल गोल घुमाता है, उसको घुमा के उसके अंदर लेंटर गिरता है, वो ऊपर जाता है। उनमें से कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तेरे से ऊपर हूँ, क्यों? सबका काम अलग अलग है। वो कोई उससे कोई भी किसी से ऊपर नहीं है, उनके ऊपर सिर्फ एक ही है, ठेकेदार है। अंत में सब ने मिल करके उसको घसीटना होता, धक्का मार के निकालते हैं, धक्का मार के लगाते हैं, पर कोई किसी से ऊपर नहीं है। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने यहाँ पे यही हमसे सिखाना चाहता है कि अगर हमने सेवकाई में हाथ डाला है और नहीं डाला है, तो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि जो तुम काम करने वाले हो और जो तुम कर चुके हो, उस पर कभी घमंड नहीं करना, अपने जीवन में बिल्कुल घमंड नहीं करना। घमंड करेंगे तो हम दीन नहीं कहलाएंगे, और अगर घमंड नहीं करेंगे तब हम दीन कहलाएंगे, तब हम पीछे होंगे लोगों के, जिससे कि हिंदुस्तान में जो गडरिये होते हैं भेड़ों के, वो पीछे चलते हैं। क्यों? हाँ, हाँकते हैं, ठीक है, सही बात है। वो इसलिए क्योंकि उनकी नज़रों से कोई पीछे ना रह जाए, कोई कहीं भटक ना जाए। हमें आगे नहीं चलना, हमें लोगों के पीछे चलना है। हमें अपने आगे से लोगों को आगे धक्का मार के अपने आगे लोगों को पहुंचाना है कि चलो तुम मेरे आगे रहो, जिससे कि अगर बाय चांस तुम्हारा अगर मार्ग भटकता होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या दिक्कत आ रही है तुम्हारे जीवन में, ये यीशु मसीह का मार्ग नहीं है, इधर आना है, यीशु मसीह का मार्ग इस तरफ है। हालेलुया, हालेलुया। अब इसी के नीचे 10 के नीचे 11 से पढ़ेंगे, एक कहानी है लूका 17 के 11 से, बहुत बढ़िया कहानी है। बस वहाँ पे 10 कोड़ी सॉरी बहुत सारे कोड़ियों की एक जगह थी। पहले जब कोड़ की बीमारी का जब इलाज नहीं था, तो उस वक्त क्या करते थे लोग, एक जो बड़ा नगर होता था जिसमें किसी को कोड़ लग गया, तो उस नगर के बाहर एक जगह ऐसी बनाई थी कि उस नगर से बाहर से निकाल करके उसको उस जगह छोड़ दिया करते थे। तो ये जगह थी गलील और सामरिया के बीच में, सॉरी यरूशलेम को जा रहा था, हाँ ठीक है, गलील और सामरिया के बीच में ये जगह थी जहाँ पे ऐसे लोग छोड़े गए थे। तो उस जगह से वो ये मान के चलो ऐसा रास्ता रहा होगा जहाँ पे गलील और सामरिया की जगह को जोड़ता होगा, वहाँ से निकलते होंगे। वहाँ पे 10 कोड़ी चंगे होने के इंतज़ार कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं से, क्योंकि उनके पास कोई आना नहीं चाहता था, कोड़ छुआछूत की बीमारी थी, छूने से बहुत जल्दी फैलती थी, उनके पास कोई आना नहीं चाहता था। पर पता नहीं उन्हें कहाँ से एक खबर मिल गई कि यीशु मसीह चंगा करता है, एक चंगा करने वाला ऐसा आया है जो कि छू के चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है और लोगों को चंगा करता है, हाथ सूखे ठीक हो जाते हैं, लकवे का मारा मरीज ठीक हो जाता है, कोई ना कोई चमत्कार उनके कानों में आया होगा। फिर वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो राह पक्का देख रहे होंगे कि कभी ना कभी तो यहाँ से निकलेगा, कभी ना कभी तो। पर जब वो निकला तब दूर खड़े 10 कोड़ी उससे मिले, दूर खड़े मतलब उनको भी पता था कि भाई हम जब पास जाएंगे तो लोग हमें पत्थरों से मारेंगे कि हमें दूर भगाएंगे कि हमें अशुद्ध मत कर, दूर रहे। दूर खड़े होके भी उन्होंने यीशु मसीह को पुकारा और यीशु मसीह ने सुन लिया
और उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि हे यीशु स्वामी, हम पर दया कर, कि भाई हम चंगे होना चाहते हैं, हम पर दया कर। अब आती है मेन चीज़, जब उसने उन्हें देखा तो कहा, जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। उन्हीं याजकों को यह आदेश मिला था कि अगर किसी को कोढ़ की बीमारी हो तो उसको बाहर निकाल दिया जाए, और उन्हीं को बोला कि जाके अपने आप को याजकों को दिखाओ। क्या यीशु मसीह ने यह कहा कि तुम ठीक हो गए, जाओ तुम ठीक हो गए, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, जो कि अक्सर यीशु मसीह ने बहुत सारी जगह कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। यीशु मसीह ने क्या कहा, जाओ तुम याजकों को दिखाओ। तो क्या वो उस वक्त कोढ़ी चंगे हो गए थे? क्या वो उस वक्त कोढ़ी चंगे हो गए थे, हाँ या नहीं? नहीं हुए थे। अब आगे पढ़ना क्या हुआ आगे। जाते ही जाते वो शुद्ध हो गए, वो चलते चलते शुद्ध हो गए, और उसके बाद क्या हुआ? बस, मतलब ज्यादा दूर गए भी नहीं होंगे। अगर मान लो जैसे कि यरूशलेम यहां से लेके इंडिया गेट के पास, सॉरी गलील यहां से लेके इंडिया गेट के पास है, और यीशु मसीह ने यहां से भेजा, जाओ तुम याजकों को दिखाओ, और वो धौला कुआं पहुंच गए, तो वो वापसी आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। पर ज़्यादा दूर गए भी नहीं है वो, ज़्यादा दूर गए, चंगे हो गए, उसमें से एक लौट भी आया, सिर्फ इतनी दूरी पर ही थे। कि जब हमारे जीवनों में जब हम परमेश्वर की सेवकाई को शुरू करते हैं, और शुरू करने के बाद हमारे जीवनों में समस्याएं, तो देखो मसीह में नहीं थे तब भी समस्याएं थी, मसीह में हैं तब भी समस्याएं हैं, पर परमेश्वर का अनुग्रह हमें शांति प्रदान करता है। पर जब हम परमेश्वर के काम अपने जीवन में करने शुरू करते हैं तो हमारे जीवनों में समस्याएं होती हैं, बनी रहती हैं कि भाई ये समस्या मेरे जीवन में है, इससे प्रभु मैं आपकी सेवकाई नहीं करने चाह रहा, सॉरी नहीं हो पा रही है, इस समस्या से मेरे जीवन में आपकी सेवकाई नहीं हो पा रही है, इस समस्या को उठा ले या इस समस्या को ख़त्म कर दे। पर यीशु मसीह हमसे ये उम्मीद रखता है कि हम उस समस्या के साथ साथ परमेश्वर के काम को शुरू करें। जब हमारे जीवन में वो समस्याएं बनी रहेंगी और उस समस्याओं के साथ हम परमेश्वर यीशु मसीह की सेवकाई को आगे बढ़कर वो काम करना शुरू करेंगे, परमेश्वर उन समस्याओं को अपने आप ख़त्म कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, उन समस्याओं को ख़त्म करेगा, उन समस्याओं को हटा देगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि और समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है कि हम यीशु मसीह के लिए दौड़ें। तो जो हमारे पैरों में बेड़ियां हैं, उन बेड़ियों को यीशु मसीह खोलेगा ज़रूर। पर कब? एक और कहानी है छोटी सी, 18:35, पेज पलट लो सिर्फ, 18:35, लूका 18:35। बस, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। यहाँ जो चीज़ हमें देखने को मिलती है, बहुत सारी भीड़ जा रही है, एक अंधा बैठा हुआ है, कि उसके मन में भी एक उम्मीद होगी ना कि ये यीशु के नासरी के नाम से एक बंदा है, वो अंधों को चंगा करता है, मैं भी ठीक हो जाऊँगा ज़रूर। पर वो आएगा ज़रूर, जाएगा ज़रूर, मैं जिस दिन वो इंतज़ार कर रहा होगा, हर घड़ी हर सेकेंड इंतज़ार में लगा है। जैसे ही वो इंतज़ार पूरा हुआ, भीड़ निकलने लगी, उसने लोगों से पूछा कौन है, उसने कहा यीशु नासरी। वो तड़प उठा अंदर से, उसके अंदर तड़प आ गई, उन्होंने कहा चुप रहे, नहीं, फिर भी नहीं चुप हुआ, फिर भी और जोर से चिल्लाया।
ऐसे ही हम भी प्रार्थना करते हैं जब हमारे जीवनों में हमें तड़प होती है किसी चीज़ को हटाने की, या हमारे जीवनों में कोई ऐसे बहुत सारे दुख ऐसे होते हैं कि प्रभु हमें चंगा कर दे, प्रभु इन दुखों को हटा ले, कि हे प्रभु मुझे चंगा कर, हे दाऊद की संतान मुझे चंगा कर, मुझे बचा ले, मुझे छुड़ा ले इन दुखों से। वहां पे 10 कोड़ियों की आवाज यीशु मसीह ने दूर से एक बार में सुन ली। और यीशु मसीह हमेशा अकेले या 12 चेले साथ में नहीं होते थे, बहुत सारी भीड़ होती थी उनके साथ। यीशु मसीह, 12 चेले और भी उनके चेले होते थे, काफ़ी लोग थे। जितनी भीड़ यहाँ थी उससे लगभग थोड़ी ही कम भीड़ वहाँ रही होगी जब उन्होंने 10 कोड़ियों को चंगा किया। तो उस भीड़ में भी उन दूर खड़े हुए 10 कोड़ियों ने एक बार बोला और यीशु मसीह ने सुन लिया। और यहाँ पे उस भीड़ में यीशु मसीह जा रहा है, वो चिल्ला के बोल रहा है, दो बार बोला, यीशु मसीह ने दो बार में सुना। वो एक बार में सुन सकता था, यीशु मसीह को हर एक चीज़, हर क्षण हर चीज़ का ज्ञान और पता है। तो परमेश्वर एक बार में भी सुन के उसका जवाब दे सकता था, दो बार में क्यों? क्योंकि बहुत बार हमारे जीवन में परमेश्वर हमारी समस्याओं को लेके हमारे जीवन में तड़प कितनी है उस तड़प को देखना चाहता है, कि हम जब एक बार प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस चीज़ को ख़त्म कर दे, इस समस्या को हटा दे, तो वो समस्या बढ़ करके हमें दबाएंगी, बढ़ करके हमें दबाएंगी। पर हमें उस प्रार्थना को करने नहीं छोड़ना जैसे वो अंधा जैसे इस अंधे ने किया। वो और ज़ोर से चिल्लाया कि हे दाऊद की संतान मेरी मदद कर, और ज़ोर से चिल्लाया। जब हम और प्रार्थनाएं करेंगे तब हमारी परमेश्वर तब भी सुनेगा, हमारे बंधनों को खोलेगा। जब हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थनाओं में बने रहेंगे, हमारे जीवन की चलती हुई समस्याओं में और आने वाली हर समस्याओं में जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे परमेश्वर के सामने बैठ के, हमें परमेश्वर के सामने हर समस्या को लेके प्रार्थना करना ज़रूरी है। और ये नहीं है कि जब, क्योंकि देखो हमारे अंदर ना हिंदुस्तानी खून है, हम हज़ारों साल से हिंदुस्तान में रहते हुए आए हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ पे एक चीज़ बहुत चलती है कि भाई मैं ये कर दूंगा पहले ये हो जाए, मैं ये चढ़ा दूंगा पहले ये हो जाए। तो माना जब हम क्रिश्चियन हो जाते हैं या फिर जैसे दुनियावी चीज़ों में क्रिश्चियन हो गए, तो लोग हमें जब क्रिश्चियन बोलने लग गए तो हम 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी से क्रिश्चियन होंगे, 6 पीढ़ी से। पर हिंदुस्तानी खून जो है ना वो हज़ारों सालों से ऐसा ही है। तो हम मसीहत में जब आ जाते हैं तब हम भी ना ऐसी ही बातें बोलते हैं। कैसी? कि प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु इन चीज़ों को ठीक कर दे, ये समस्याओं को हटा दे, तब मैं तेरी सेवा करूँगा। प्रभु इस सेवा को करने के लिए ना मेरे को मैनेजर ना मेरे को छुट्टी नहीं देता है, मुझे छुट्टी दिला दे, मैं आपकी सेवकाई करूँगा। जैसे 7 बजे अब प्रार्थना शुरू है पूरे महीने के लिए, 7 बजे प्रभु मेरे को 6 बजे पहुँच करके मेरे को गद्दे लगाने हैं, मैं सेवकाई करना चाहता हूँ, पर मुझे मैनेजर 1 घंटे पहले छुट्टी दे दे। पर परमेश्वर ये देखना चाहता है कि उस 1 घंटे पहले छुट्टी ना मिलने के बावजूद भी क्या हम परमेश्वर की सेवकाई में हाथ बटाते हैं? गद्दे लगाने की ना से ही गद्दे उठाने की नौकरी हमें मिल सकती है। थकान के बावजूद भी क्या हम परमेश्वर की सेवकाई में हाथ बटाते हैं? हमारे जीवनों में समस्याओं के बावजूद भी क्या हम परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ते हुए जाते हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ये देखना चाहता है कि उन समस्याओं के लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस प्रार्थनाओं के साथ क्या हम सेवकाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। हमारे देखो जब तक हमारा शरीर है हमारे जीवनों की जो समस्याएं वो ख़त्म नहीं होंगी। परमेश्वर हमारी समस्याओं को दूर कर देगा, फिर दूसरी समस्या आ जाएगी। क्यों? क्योंकि शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है हर एक चीज़ के लिए, कि ये ऐसे ना है सही तो वैसे, वैसे ना सही तो ऐसे, घुमा फिरा करके यीशु मसीह के रास्ते से निकाल ले। अगर निकाल भी ना पाए तो ये 10 काम कर रहा है यीशु मसीह के, इससे 5 तो छुड़वाऊँ कम से कम, 5 ना सही 2 तो छुड़वाऊँ कम से कम, इस चीज़ में लगा हुआ है। हमारे जीवनों में समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी। पर क्या हमारी लगातार परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर इस समस्या को दूर कर कि मैं तेरे सेवकाई में और आगे बढ़ूं, और सेवकाई करनी है 1 घंटे की ना सही, 15 मिनट की सही, पर क्या हम परमेश्वर की सेवकाई में अपना हाथ बटा रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवनों में ये है। हालेलुया, हालेलुया।
अब जो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवनों में है वो भी हमें जाननी जरूरी है। जब तक हम परमेश्वर की इच्छा नहीं जानेंगे तब हम करेंगे क्या? एक कि मान लो गद्दे उठाने की जिम्मेदारी मेरे जीवन में परमेश्वर ने डाल दी, प्रार्थना कर रहा था, मेरे मन में आ गया मैंने करूँगा, ठीक है, क्या मेरे को वो जिंदगी भर वो ही करना है? नहीं। पढ़ेंगे एक बार, एक ऐसा वरदान, देखो अलग अलग वरदान हर किसी को मिले हैं, पर एक ऐसा वरदान है जो हम सबको मिला है, सबको बराबर मिला है, वो कौन सा है? लूका 8:10 निकालेंगे। बस ये बीज से है, तो उससे ऊपर यीशु मसीह ने बीज का दृष्टांत सुनाया है, बीजों वाला दृष्टांत कहा, फिर चेलों ने पूछा, तो चेलों ने जब पूछा तो यीशु मसीह ने उनसे जो कहा, दोबारा पढ़ना बहन। हालेलुया, हमें परमेश्वर के भेदों को समझने कि समझ दी गई है, हमें परमेश्वर ने यह प्रदान किया है कि हम परमेश्वर के वचनों को समझ सकें, पर उनको नहीं दिया गया जिनको परमेश्वर ने नहीं चुना है। यानी इस चार दीवारी में जितने भी लोग बैठे हैं हम सबको वो समझ है कि हम परमेश्वर के वचनों को समझ सकें, उनकी गहराई को समझ सके, परमेश्वर के प्रेम को समझ सके, ये समझ परमेश्वर ने हमें दी है। तो इस वरदान का, क्योंकि ये वरदान ही है एक तरीके से, क्योंकि परमेश्वर के वचन को ना, जो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नीचा दिखाना चाहते हैं और वो लगभग आधी उम्र बाइबल पढ़ते हैं इस चीज़ के लिए कि यीशु मसीह के नाम को नीचा दिखाया जाए। अभी कल यूथ मीटिंग थी तो एक भाई ने अपने फेसबुक पे एक पोस्ट को डाल दिया कि यीशु मसीह, पोस्ट सच्चा था कि यीशु मसीह हम सबसे प्रेम, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मेरे जैसा प्रेम रखो, और फिर नीचे लिखा हुआ था एक दूसरे से प्रेम करो। तो एक ऐसे भाई ने कमेंट भेजा वहाँ से जो मसीह के खिलाफ था, उसने लिखा कि नई आज्ञा यीशु मसीह देता है कि एक दूसरे से प्रेम करो, तो पुरानी आज्ञा क्या नफरत करने की थी? उसने ऐसे ऐसे कमेंट भेजे वहाँ पे, मैंने भी पढ़े, उस भाई को भी बताया कि भाई वो कमेंट जो आपने भेजा उसमें तो वर्स नहीं था, नीचे रेफरेंस नहीं दिया था कि रेफरेंस देना चाहिए रेफरेंस के साथ, और कहाँ से उठा रहे हो, पढ़ के जांच करके फिर डालना चाहिए। उसमें जो वर्स लिखा था उसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ी थी, थोड़ी सी गलत था, बट यीशु मसीह के खिलाफ जो लोग हैं वो भी वचन पढ़ते हैं, पर उनको वो बुद्धि वो ज्ञान नहीं मिला, वो वरदान नहीं मिला कि हम परमेश्वर के वचनों को समझ पाए, उनको नहीं मिला वो। पर वो मिला किसको है? हमको, जो कि पढ़ते नहीं है, और जो पढ़ना नहीं जानते हैं तो वो सुनते नहीं है। परमेश्वर के वचनों को पढ़ना और सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमारे सांस जैसा होना चाहिए, बिना सांस लिए हम नहीं रुक सकते, और ख़ास करके तब जब यहाँ से ऊपर चढ़ के 4 मंजिल सीढ़ी चढ़ जाओ और तब रोक के दिखाओ, बहुत मुश्किल है। सांस जैसा होना चाहिए, मसीह कि प्रभु मैं कल क्या करूँ तू मुझे आज बता, और उसके लिए वचन को पढ़ो, लगातार पढ़ो, एक ही जगह से पढ़ो। वो एक हमारे बचपन में ना, हम टेबल पर बैठ के क्रिकेट खेला करते थे, कैसे खेलते थे वो, एक मिनट, 0 BC साइड आता ना, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम अपनी बुक खोलते थे, ऐसे खोला और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो नंबर आया वो मैंने मारा, यानी 6, वो लिख लिया 6, फिर खोला कहीं से भी, फिर 0 तो मैं आउट, फिर खोला 6 तो 6। ऐसे बाइबल नहीं पढ़ी जाती, वो 0 ही आएगा, यानी हमेशा हम आउट ही होंगे। हमें परमेश्वर के लिए लगातार एक जगह से शुरू करके तरीके से बाइबल को पढ़ना है, वचन दर वचन, तभी वचन हमारे मनों में काम करेगा।
तभी हमारे जीवन में हम परमेश्वर की इच्छा को जानने पाएंगे कि परमेश्वर अब हमसे क्या चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बुरा नहीं चाहता, परमेश्वर हमसे भला चाहता है कि अगर तुझे मेरी राहों पर चलना है ना, तो मैं जो बताऊँगा तभी तो चलेगा, अपनी मर्जी से चलेगा तो नर्क ही जाएगा, स्वर्ग तो कभी नहीं आने वाला। तो परमेश्वर यीशु मसीह हमसे अपनी इच्छाएं बताना चाहता है, हमको अपनी इच्छाएं बताना चाहता है, और वो इच्छाएं हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने से हमारे जीवनों में आएगी। हालेलुया, हालेलुया। अब सारी इच्छाओं में से परमेश्वर की ने एक बड़ी इच्छा को देखते हैं। पहला पत्रस खोलिए, पहला पत्रस 1:22 पढ़ेंगे। हालेलुया, मतलब बहुत अच्छी बात कही है कि जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रेम के लिए सत्य का पालन करके अपनी आत्माओं को पवित्र किया है। यानी ये ऐसी चीज़ की बात कर रहा है पौलुस, सॉरी पत्रस, कि वो जो कलीसिया ऑलरेडी कर रही है कि तुमने निष्कपट प्रेम के द्वारा सत्य का पालन करके अपनी आत्माओं को पवित्र किया है। आत्माओं को कहा है ना, आत्मा को तो नहीं कहा, आत्माओं को कहा है। परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छाओं में पता है क्या है? अच्छा, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो यीशु मसीह ने हमें क्या दिखाया, सबसे बड़ी चीज़ क्या दिखाई? प्रेम। यीशु मसीह ने सबसे बड़ी चीज़ जो हमें दिखाई, वो यीशु मसीह ने प्रेम दिखाया कि इस दुनिया में यीशु मसीह जो आया वो केवल और केवल प्रेम की वजह से आया, कि हम सब से उसने इतना प्रेम किया, आने वाली जनरेशन और जो उस टाइम पे थे उन सब से इतना प्रेम किया कि वो आया, शरीर को धारण किया, शरीर में कोड़े खाए और क्रूस पे लहू बहाया, मारा गया, गाढ़ा गया, फिर जी उठा। वो सबसे बड़ा निष्कपट प्रेम था। निष्कपट भी बोलना गलत है, निष्कपट साथ साथ में यूज़ कर ही नहीं सकते। वो एक ऐसा प्रेम था जिसमें कोई कभी दाग लगा ही नहीं सकता परमेश्वर यीशु मसीह के। वैसा प्रेम परमेश्वर हमारे अंदर चाहता है कि वो प्रेम पर हम अपने आपस के भाईचारे में रखें। भाईचारे मतलब ये भाईचारे नहीं, ये बहनचारे भी है इसमें। तो बहनें आपस में ऐसा घनिष्ठ प्रेम रखें और भाई आपस में इतना घनिष्ठ प्रेम रखें जिससे कि सत्य का पालन करने से, सत्य क्या है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, फिर जी उठा, ये सत्य है, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को अपने जीवन में पालन करने से कि वो जीवन भर पवित्र रहा, उसने कोई पाप नहीं किया, उसने दूसरों के प्रति सोचा, दूसरों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर जी उठा कि कहीं दूसरे नर्क में ना चले जाएं, और फिर जी उठा। हालेलुया। इस सत्य का पालन हमें आपस में करना है कि हमें एक दूसरे के लिए जीना है, ऐसा प्रेम कि अगर मैं किसी एक भाई से नफरत करता हूं तो वो मेरे से नफरत नहीं करेगा, ऐसा प्रेम। अगर मैं किसी से प्रेम करता हूं तो वो ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए कि अगर वहां से नफरत आई तो मेरी कमर घूम गई उसकी तरफ। ऐसे गुट बना लिए हमने कि वो चार लोग अलग खड़े हैं, वो चार लोग अलग खड़े हैं। क्यों? क्योंकि यार उस गुट में जो वो भाई है ना यार, वो कभी कभी मुझसे गलत बोल जाता है यार, या उस गुट में वो जो बहन है ना वो कड़वी जुबान की है बहुत ज़्यादा, या बहुत गलत बोल देती कभी कभी मेरे को, नहीं यार मैं उसके साथ नहीं रहूँगी या रहूँगा, उसके गुट में नहीं खड़ा होऊंगा मैं। ये ऐसा प्रेम हमें नहीं सिखाता परमेश्वर का। निष्कपट प्रेम, ऐसा प्रेम जो कि हमें ये उम्मीद रखे कि वहाँ से प्रेम नहीं आएगा। अच्छा, भले सामरी वाला तो दृष्टांत यीशु मसीह का याद ही है ना, भले सामरी का और यहूदी का वो था। उससे हम मोटा मोटा ऊपर से क्या सीखते हैं कि भाई अनजान लोगों की मदद करो, पर उससे जो अंदर से हम ये सीखते हैं कि ऐसी लोगों की मदद करो जो कि मान लो ठीक हो गया और होश में आएगा तो मेरे को थप्पड़ मारेगा, ऐसे आदमी की कौन मदद करेगा, या ऐसे मकान मालिक या मालकिन की जिसने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया था, मेरी बातों को नहीं समझा और ऐसा आदमी मुसीबत में फंसा दिख गया तो क्या मैं उसकी मदद करूंगा, नहीं करूंगा।
जहाँ से कभी भी मदद की उम्मीद नहीं है या जहाँ से कभी भी ये पता है कि मुझे प्रेम नहीं मिलेगा, ऐसा प्रेम लोगों से करना। अनजान आदमी को तो प्रेम दिखाना बहुत आसान है, पर क्या ऐसे आदमी को प्रेम दिखाना है आसान? अपने आप से पूछो, मैं भी अपने आप से पूछता हूँ कि क्या ऐसे आदमी को प्रेम दिखाना आसान है जिससे कि कभी हमारी लड़ाई हुई है, कभी वो मुसीबत में दिखा तो हम उसको बचाएंगे या उसकी मदद करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में, ये निष्कपट प्रेम परमेश्वर हमसे चाहता है कि जिससे कि हम सत्य का पालन करें और हमारी आत्माएं शुद्ध हो, हम सब की आत्माएं शुद्ध हो जाएं। एक भटक रहा है तो चार उसका हाथ पकड़ के बचा ले कि नहीं, ये तुम गलत कर रहे हो। हम अपनी आत्माओं को पवित्र करेंगे, एक दूसरे की आत्माओं को पवित्र करेंगे कि अगर कहीं मैं कमज़ोर हूँ तो उसी जगह कोई और मजबूत है, जहाँ कोई और मजबूत है तो उसी जगह में कहीं और कोई कमज़ोर है। हम इस तरीके का प्रेम परमेश्वर हमसे चाहता है। अब यहाँ पे तो परमेश्वर ने करने की बातें बता दी ना, अब परमेश्वर बताता है कि क्या नहीं करना है। दो का एक से पढ़ो। हालेलुया। हम सब ने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, इसलिए हमें अपने जीवनों से वैर भाव को निकाल देना है, छल की बातें करना छोड़ देना है, लोगों की निंदा करने बंद कर देना है कि यार तुम अब तो सुधर जाओ, अब तो तुम्हें विश्वास में आए हुए 4 साल हो गए, या तुमने 32वां ले लिया, अब भी तुम ऐसी बातें करते हो। लोगों की निंदा करना छोड़ दो, छल की बातें पलटना छोड़ दो और वैर भाव करना बंद कर दो कि नहीं यार वो बंदा अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा है। बंद करो इस चीज़ों को और द्वेष और हर प्रकार की निंदा को दूर रखकर नवजात शिशुओं के समान दूध शुद्ध आत्मिक दूध के लिए लालायित रहो। हालेलुया, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ। अच्छा, जब छोटे बच्चे बड़े होते हैं तो छोड़ो, ये उदाहरण नहीं देते, पुराने सीरियलों में देखा करते थे हम कि जब कोई राक्षस पैदा होता था तो पैदा होते ही बड़ा हो जाता था, ऐसे ही हा 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 करता हुआ। तो हमारे जीवनों में किसी बच्चे को हमने ऐसे देखा है कि आज पैदा हुआ और कल 10 साल का हो गया? नहीं है ना, कभी नहीं देखा। धीरे धीरे ही बढ़ता है ना, धीरे धीरे ही बड़ा होता है। वैसे ही हमारा मसीही आत्मिक जीवन है, अगर आज हमने उद्धारकर्ता को ग्रहण कर लिया, हमारा जन्म स्वर्ग में हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जब आज हमने उद्धारकर्ता को ग्रहण कर लिया तो आज हमारा जन्म हो गया, तो साल 1.5 साल तो हमें दूध पीना ही है। हमें वचन के बिना जीवन जिया जा ही नहीं सकता, हमें कोई छोड़ ही नहीं सकता। जब बच्चा सोता भी है तो उसके चारों तरफ तकिए लगाए जाते हैं कि नीचे ना गिर जाए, या उसे नीचे ही सुलाते हैं, क्यों? उसको चोट ना लग जाए। तो हे पुराने मसीहों, जो हमारे साथ जो पुराने मसीह हैं उनके बीच में जो नए मसीह आते हैं उनको प्रेम से संभालो कि कहीं वो भटक ना जाए, कहीं वो रास्ते से ना निकल जाए। और जो नए मसीह हैं उनको वचन को तो छोड़ना ही नहीं है, वो वचन डेली सुनते रहे तो हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे। तो साल 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आज मेरे को अभी लगभग 6 साल हो गए, तो ये मान के चलो मैं 6 साल का हो गया हूँ तो परमेश्वर मुझे चिकन खिला सकता है, ऐसा मान के चलो। 2 साल के बच्चे को कहा परमेश्वर ने कि दूध पियो तो मुझे चिकन खिला सकता है, इतनी उम्र हो गई है मेरी। जब 10 साल, 15 साल, 20 साल मसीह में जैसे ही जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर के लिए हमारी आज्ञाएँ और हमारी इच्छाएँ परमेश्वर के लिए हमारे लिए बदलती जाएंगी, पर आपस में नहीं बदलेगी। क्योंकि आज किसी ने उधारकर्ता को ग्रहण किया है तो उसके बगल वाले को 3 साल हो चुके हैं, तो उसको वो बचाएगा, गलत चीज़ें करने से बचाएगा। पर एक बात मुझे कभी समझ में नहीं आती, जो 1.5 साल, 2 साल के जो बच्चे होते हैं उनको हर एक गलत चीज़ उठाने की आदत होती है। वो बिजली के प्लग में उंगली देने की आदत होती है, वो
एक तो वो स्विच ऑन भी कर लेते खुद, ऑन करके फिर उंगली डालते उसमें। तो ऐसे ही हमारे बीच में जो नए मसीह होंगे उन्हें उनके अंदर भी गलत काम करने की आदतें होंगी। सुधारना किसको है? हमें, पर प्रेम से, निंदा के साथ नहीं। निंदा तो यीशु मसीह ने मना कर दिया ना ऊपर, निंदा को दूर करके, वो सब दूर कर दिया यीशु मसीह ने प्रेम के साथ। केवल और केवल प्रेम ही बदल सकता है उनको, केवल और केवल प्रेम। हिंदुस्तान में बूढ़े बुजुर्ग लोग कह के गए हैं कि लोग बच्चों को मारोगे तो ढीठ हो जाएंगे, वो तो वैसे ही हो जाएंगे, अगर निंदा करेंगे ना तो पक्के ढीठ हो जाएंगे मसीह में, वो सुधरेंगे भी नहीं। क्योंकि ऐसे लोगों को मेरी नज़र में तो है कि उन्हें अगर हमने प्रताड़ना ज़्यादा दी तो वो ढीठ हो गए। आज हमें 4 गुना से भी ज़्यादा प्रेम दिखाना पड़ेगा, तब जाके वो नर्म होंगे। तो हमें अपने बीच में जो नए मसीह हैं उनको संभालना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम सब ने यीशु मसीह के उद्धार का स्वाद चख लिया है। हम सब की जिंदगियों में परमेश्वर ने साथ दिया है। एक ना एक ऐसा समय होगा कि हमारे कंधे पर यीशु मसीह का हाथ आया होगा और यीशु मसीह ने कहा होगा, या हमें महसूस हुआ होगा कि यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम सब की जिंदगियों में ऐसा एक ना एक समय है कि परमेश्वर का ये साथ हमें महसूस हुआ है कि वो हमारे साथ चल रहा है, जिसके हम लायक नहीं है। वो साथ परमेश्वर का हमारे साथ जीवन भर रहता है। अब यहां पे परमेश्वर ने पहली चीज बता दी कि तुम्हें क्या करना है, निष्कपट प्रेम, ऐसा प्रेम जो तुम्हारे प्रेम किसी और से प्रेम आने की उम्मीद ना रखे, ऐसा प्रेम करना है। क्या नहीं करना है यीशु मसीह ने वो भी बता दिया कि भाई वैर भाव, छल, निंदा को दूर रख के, द्वेष, हर प्रकार की निंदा को, सब चीज़ को दूर रख के निष्कपट प्रेम करना है। अब इस प्रेम के करने से होगा क्या? आगे पढ़ना 4 से। हेलो, ग्रहण योग्य, सॉरी, ग्रहण योग्य है परमेश्वर को यीशु मसीह के द्वारा, ग्रहण योग्य है कि अब उस जीवित पत्थर के पास आकर जिसे मनुष्य ने तो ठुकरा दिया था, यानी परमेश्वर यीशु मसीह के लिए बोली गई बात है कि परमेश्वर यीशु मसीह को राजमिस्त्रियों के द्वारा ठुकराया गया पत्थर ही सिरे का पत्थर हुआ। सिरे का पत्थर होना मतलब, हमारे हिंदुस्तान में जब नींव डलती है तो सबसे पहले क्या डलता है नींव में? पिलर लगते हैं, पिलर डलते हैं ना नीचे, सबसे नीचे पिलर डलता है। तो उस पिलर, 4 पिलर डलेंगे तो एक मकान की नींव डलेगी कि यहाँ से यहाँ हमारी जगह है और इस जगह के बीच में हमें बनाना है मकान, ईंटों पे ईंट खड़े करके खड़ा करना है। तो परमेश्वर यीशु मसीह हमारे मसीही जीवन का, व्यक्तिगत मसीही जीवन का, एक आदमी के मसीही जीवन का और कलीसिया के जीवन का वो नींव है कि परमेश्वर यीशु मसीह के आधार पर हम खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जिलाया गया तो हम जिलाए जाएंगे, इस चीज़ पे हमें विश्वास है, तो हम जिलाए जाएंगे। तो वो हमारा आधार है कि हमारा जीवन उस पे खड़ा है और हमारी कलीसिया उस पे खड़ी है। तो वो सिरे का पत्थर है और उस सिरे के पत्थर के द्वारा हमारी कलीसिया का निर्धारित है कि इस तरफ से उस तरफ नहीं जाना, वो गलत हो जाएगा। दिशाएं निर्धारित है और हम उस पर टिके हुए हैं, हमारी मजबूती उसी पर टिकी हुई है। हालेलुया। तो इस पे जो उदाहरण को ही आगे चलाया, कैसे अब उस जीवित पत्थर के पास आकर जिसे मनुष्य ने ठुकरा दिया परंतु जो परमेश्वर की दृष्टि में चुना गया और मूल्यवान है, तुम भी जीवित पत्थरों के समान एक आत्मिक भवन बनाते जाते हो। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अभी हम बनाते जा रहे हैं, हम मसीह में मजबूत होते जा रहे हैं, तो हम एक आत्मिक भवन की तैयारी करते जा रहे हैं। अब इसी उदाहरण को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। एक नींव डल गई मकान की, नींव डलने के बाद में ईंटों के ऊपर ईंट, ईंटे के ऊपर ईंट रखने के बाद में मकान बनता है, बनता है ना? तो क्या केवल ईंट होती है?
अगर केवल ईंटों के ऊपर ईंट है तो मैं अपना हाथ रखूंगा तो ईंटें गिर जाएंगी और दो चार मेरे ऊपर भी गिरेंगी। तो उन ईंटों के बीच में क्या होता है? हाँ, मसाला होता है सीमेंट का और वो सब मिला करके। तो एक मसाला नीचे लगाएगा, उसके ऊपर एक ईंट, फिर उसके ऊपर साइड में दूसरी ईंट, उसके ऊपर मसाला, और दो ईंटों के बीच में भी ऐसे कर नहीं करके नहीं मारता वो मिस्त्री, बीच में ही मसाला भर देता अच्छे से, जगह नहीं बचती उसके बीच में, फिर ईंट लगाता है। परमेश्वर का प्रेम है वो हमारे जीवनों में कि हम जब भवन खड़ा करेंगे तो हमारे बीच में चारों तरफ से हमें ऊपर से प्रेम जो हमें परमेश्वर ने हमारे ऊपर ठहराया है, हमारे नीचे प्रेम जिससे कि हमारे नीचे जो परमेश्वर ने नए विश्वासियों को दिया है, हमारे अगल और बगल में प्रेम जो हमारे सहकर्मी और विश्वासी हैं जो 3 साल में लगातार बराबर है, या मैं 4 साल हूँ तो जो 4 साल मेरे साथ लोग हैं उनके साथ हमें लगभग हर एक जन के साथ में प्रेम बनाए रखना है, तभी परमेश्वर का आत्मिक भवन तैयार होगा। हालेलुया, तभी वो भवन खड़ा होगा। उस भवन के अंदर याजकों का समाज तैयार होगा जो हमारे बीच में परमेश्वर छोटे बच्चों को देता है, जो आगे जाके बड़े होंगे और वो बड़े बनकर परमेश्वर की महिमा के कामों को अंजाम देंगे, वो हमारे बीच में सुरक्षित होके देंगे। और उन ईंटों के बीच में जो प्रेम होता, अच्छा ठीक है, जैसे यहां पर भी ईंट लगी होगी ना दीवार में, पर कोई ऐसे डिजाइन बना करके और उसे खोद करके मुझे बता सकता है कि ये पक्का इस जगह से खोदो एक ईंट ही निकलेगी यहां पे? बहुत मुश्किल है ना। वो कैसे पॉसिबल हुआ कि इसके ऊपर भी उन्होंने प्लास्टर, कहते हैं ना प्लास्टर मारा है। यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर इतना मजबूत होना चाहिए कि यीशु मसीह का प्रेम हमारे ऊपर से हो और शैतान को निकालने के लिए वो एक ईंट भी नजर ना आए कि वो पकड़े तो किसको पकड़े कि हमारी कलीसिया को तोड़ा जा सके। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर इतना मजबूत होना चाहिए कि हमारे अंदर से परमेश्वर के प्रेम की महिमा निकल के आए। हालेलुया, कि हम खड़े होकर के परमेश्वर को धन्यवाद करें और उस धन्यवाद का असर लोगों में नजर आए। हालेलुया, कि हम जब खड़े होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर पूरा गुड़गांव विश्वास में आना चाहिए, तो वो विश्वास की जो लोग काम करने के लिए परमेश्वर ने चुने हैं उनके अंदर वो जोश आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रेम, वो प्रेम, देखो परमेश्वर ना, यहाँ जो 2:1 में परमेश्वर ने प्रेम में से गंदगी को निकाला है, निकाला नहीं निकाला, द्वेष को निकाल दिया, निंदा को निकाल दिया, हर एक चीज़ गलत चीज़ को निकाल दिया, प्रेम में से गंदगी को निकाल दिया। मत्ती 25 में यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो तुमने आपस में किया वो तुमने मेरे साथ किया, मैं प्यासा था पानी पिलाया, मेरे पास कपड़े नहीं थे तुमने कपड़े दिए, बोला था नहीं बोला था? तो यीशु मसीह अपना प्रेम मेरे द्वारा मेरे प्रेम में अपने प्रेम को मिला करके दूसरों को देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को ध्यान से सुनना, मेन चीज यही है कि परमेश्वर अपना प्रेम मेरे प्रेम को साफ करके, मेरे प्रेम में से गलत चीजों को बाहर निकाल के उस प्रेम में अपना प्रेम मिला करके दूसरों को देना चाहता है। हालेलुया, ये सब के साथ है, परमेश्वर अपना प्रेम हम सबको देना चाहता है कि हम एक दूसरे को बांटें अपने प्रेम को। हालेलुया, बहन अपने बहनों में, भाई अपने भाइयों के साथ मिल करके हम एक दूसरे को उस परमेश्वर के प्रेम को बांटें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया, कोई भी परमेश्वर के प्रेम को बता नहीं सकता कि उसका प्रेम है कैसा, उसके प्रेम को हम हाथ खोल के भी नहीं दिखा सकते कि उसका प्रेम कितना बड़ा है, कितना महान है, क्योंकि वो ऐसा प्रेम है। पहले भी एक उदाहरण दिया है, बताता हूँ दोबारा से। अगर हमारा 10 रुपये का सिक्का अगर हम चल के जा रहे हैं और गटर में गिर जाए, हम में से कौन हाथ डालेगा उसमें? कौन हाथ डालेगा? परमेश्वर ने वही किया है। गटर से भी गंदी इस दुनिया में यीशु मसीह उतरा कि जिससे कि यार मेरे द्वारा पवित्र हो, ये बच्चे हैं भटके हुए, इन्हें सच्चाई को नहीं पता, और मैं उतरूंगा, मैं साफ करूंगा। परमेश्वर ने साफ किया और उस साफ करने के बाद दोबारा से परमेश्वर मारा गया, गाड़ा गया और फिर स्वर्ग में विराजमान है जिससे कि हम उसके द्वारा पवित्र होते हैं। हम में से कोई सोच ही नहीं सकता कि हम उस गटर में हाथ डालने के लिए सोचेंगे, मेरे को तो मैं दिमाग में नहीं आता। हम नाथूपुर की कुछ एक गलियों से निकल के जाते हैं बाइबल स्टडी के लिए, एक नया रास्ता पता चला मेरे को एस ब्लॉक को जाने के लिए, तो मेरे घर से बहुत जल्दी मैं पहुंच जाता हूँ, 2 मिनट में भी
इसके अपने नवीन भाई के घर के पास में 2 मिनट से भी, पर वो गली गंदी बहुत है, काला कीचड़ वहाँ। तो उस काले कीचड़ में जब भी हम स्कूटी लेके जाते हैं तो स्कूटी में मेरी वाइफ पैर पूरे ऊपर कर लेती है कि भाई एक छींटा भी ना लग जाए, इतना गंदा है। उसको सांस भी नहीं आती, नाक भी बंद कर लेती हूँ। तो इस जब हम उस गंदगी को देख और उसका एक छींटा नहीं सह सकते, तो यीशु मसीह यहाँ उतर के आया है। इस दुनिया में यीशु मसीह उतर के आया है, हालेलुया। इस दुनिया में वो यीशु मसीह उतर के आया, हमें पवित्र किया और खुद मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और स्वर्ग में विराजमान है। किस लिए? कि भाई हम उस पर विश्वास करके, उसके प्रेम को चख करके हम आपस में प्रेम रखें, आपस में झगड़े को नहीं रखें, आपस में उस लड़ाई को नहीं रखें जो यीशु मसीह ने करा ही नहीं हमारे साथ। चाहता तो यीशु मसीह मूर्ति पूजकों से नफरत करता है, वो सबको ख़त्म कर सकता है, पर यीशु मसीह को पता है कि हमें पता ही नहीं है। बाहर की तो दूर की बात, दूसरों के गैर विश्वासी को विश्वास में लाने की दूसरी दूर की बात है। आज की तारीख में यीशु मसीह के विश्वास में, यीशु मसीह को सर्च करने वाले इंटरनेट पे बहुत लोग बैठे हैं, यीशु मसीह को सर्च करके इंटरनेट पे पहुंच जाते कहीं ना कहीं, वहां जाके विश्वास में आ जाते हैं। पर ऐसी कलीसियाएँ बहुत कम हैं जो यीशु मसीह के लिए चट्टान बन करके ऐसे घर के समान खड़ी हैं, जहाँ पे बारिश आंधी तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकता उनका, और जो अंदर आ गया वो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करके ज़रूर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसी कलीसियाएँ बन के हमें खड़ा होकर तैयार होना है आपसी प्रेम में। ऐसा अच्छा, मछुआरे वो थे ना, यीशु मसीह के चेले मछुआरे थे, तो पहले भी बताया मैंने, हमें प्रेम का ऐसा जाल बनना है कि जो आ जाए वो कभी वापस ना जाए, वो पक करके परमेश्वर यीशु मसीह के पेट में जाए, यानी यीशु मसीह को आत्मिक बलिदान के तौर पे वो चढ़ाया जाए, हमारे यहाँ से बाहर जाए तो यीशु मसीह का जय जयकार करता जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब खड़े होकर प्रार्थना करें।